अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज हम जो पढ़ना है वो होगा मूवमेंट इन प्लांट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो मूवमेंट है प्लांट में, ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने स्पोर्ट्स के मतलब पढ़ा था, प्लांट में स्टैंडिंग ग्रोथ पढ़ चुके हैं। जो प्लांट है इनके अंदर दो तरह की मूवमेंट होती है, ऑटोनॉमिक और पैरानॉमिक। ठीक है, दीज टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट दैट एग्जिस्ट इन प्लांट। ऑटोनॉमिक, ठीक है जी, ये आज हमें लेके चलना। तो ऑटोनॉमिक है जी, दैट मूवमेंट विच अकर इन प्लांट ड्यू टू इंटरनल कॉजेस। पौधों के अंदर होने वाली वो मूवमेंट जो इंटरनल कॉजेस, पौधों के इंटीरियर साइड में कुछ इस तरह की चेंजेस हो रही होगी जिससे ये होगी, सच टाइप मूवमेंट कॉल्ड ऑटोनॉमिक। व्हाइल द पैराटोनिक मूवमेंट, द मूवमेंट विच अकर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस लाइक एनवायरमेंट। तो पैराटोनिक में क्या होगा, पौधों के एनवायरमेंट में या एक्सटर्नल एनवायरमेंट में कुछ इस तरह का रिएक्शन हो रहा होगा, कुछ इस तरह का फिनोमेना होगा जिसकी वजह से उन्हें मूवमेंट करना पड़ती है, ये शो करना पड़ती है। तो इंटरनल कॉजेस की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे ऑटोनॉमिक कहते हैं, एक्सटर्नल कॉजेस की वजह से जो मूवमेंट होती है उसे पैराटोनिक कहते हैं। ठीक है, आगे इन दो मूवमेंट्स को मजीद सब डिवाइड किया गया किस तरह ही। ऑटोनॉमिक मूवमेंट को कहा जाता है, इसकी तीन टाइप है, टैक्टिक मूवमेंट या टैक्सिस, टर्गर मूवमेंट एंड ग्रोथ मूवमेंट। दीज थ्री टाइप्स आर स्पेसिफाइड फॉर ऑटोनॉमिक मूवमेंट। व्हाइल पैराटोनिक हैज टू टाइप ऑफ मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड डेस्टिक मूवमेंट। These two are of paratonic movement types. ठीक है, तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है आपके, तो हमने आज सिर्फ ऑटोनॉमिक मूवमेंट को कवर करना है। ठीक है, ऑटोनॉमिक मूवमेंट की पहली टाइप थी टैक्टिक मूवमेंट या टैक्सिस। सो द मूवमेंट ऑफ इंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इंटरनल कॉजेस इज कॉल्ड टैक्टिक मूवमेंट। अब पौधे सॉरी जानदार या उसका एक सेल, उस पूरे के पूरे की मूवमेंट होना जिसे हम लोग कह सकते हैं लोकोमोशन। ठीक है जी, पौधे के एक इंटायर सेल का या एक ऑर्गेनिज्म का जो मूवमेंट शो करना है उसे हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। अब हम लोग पहले ही चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हैं कि जो प्लांट है वो लोकोमोशन शो नहीं करते बल्कि वो सिर्फ मूवमेंट शो करते हैं। तो लिहाजा इस डेफिनेशन के अंदर सेल की बात हो सकती है, सेल के अंदर किसी स्ट्रक्चर की बात हो सकती है। अगर आप कहें ना पूरे का पूरा प्लांट उठ के एक जगह से दूसरी जगह चला जाए तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब जो टैक्टिक मूवमेंट होती है इसकी भी दो टाइप्स है। ठीक है, पहले तो टैक्टिक मूवमेंट की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, द मूवमेंट ऑफ एंटायर सेल और ऑर्गेनिज्म ड्यू टू इंटरनल कॉजेस इज कॉल्ड टैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, इसकी दो टाइप्स होती है। नंबर वन, पॉजिटिव टैक्सिस या पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट। अब मूवमेंट किसी ना किसी स्टिमुलस के रिस्पांस में पैदा हुई है, तो टैक्टिक मूवमेंट की ऐसी टाइप जिसमें जो मूवमेंट है वो स्टिमुलस की तरफ हो रही होती है, जिसकी वजह से मूवमेंट पैदा हुई है उसी की तरफ अगर सेल या ऑर्गेनली मूव करना शुरू कर देती है तो ऐसी मूवमेंट को आप पॉजिटिव टैक्टिक मूवमेंट कहते हो। ठीक है, टुवर्ड स्टिमुलस। और जो दूसरी टाइप है वो है नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। अगर जिस चीज की वजह से मूवमेंट शो होना शुरू हो रही है तो सेल या ऑर्गेनली उससे दूर जाना शुरू हो जाता है, तो ऐसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं नेगेटिव टैक्टिक मूवमेंट। इज दैट क्लियर? ओके, आगे दो टाइप्स हैं फोटो सॉरी टैक्टिक मूवमेंट की, दो टाइप होती है, फोटोटैक्टिक और कीमोटैक्टिक। टैक्टिक मूवमेंट तो वही लफ्ज है, डेफिनेशन भी वही होगी कि इंटरनल कॉजेस की वजह से सेल या सेल के ऑर्गेनली में मूवमेंट शो होती है। ठीक है, टैक्टिक की तो वही, उससे पहले वाला लफ्ज स्टिमुलस के लिए स्पेसिफाई है। फॉर एग्जांपल फोटोटैक्टिक, ये ऐसी टैक्टिक मूवमेंट होगी जिसमें लाइट इन्वॉल्व है। ठीक है, द मूवमेंट या टैक्टिक मूवमेंट ड्यू टू इन रिस्पॉन्स ऑफ लाइट, सॉरी लाइट की रोशनी ने या लाइट की रोशनी की वजह से जो मूवमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं फोटोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, फिर वही बात, इस फोटोटैक्टिक भी जैसे हमने टैक्टिक की बात की दो तरह की, अगर लाइट सोर्स की तरफ मूवमेंट हो रही है तो पॉजिटिव है, अगर लाइट सोर्स से दूर मूवमेंट हो रही है तो ये नेगेटिव होगी। ठीक है, अच्छा है। अब पॉजिटिव फोटोटैक्टिक जो है उसकी एग्जाम्पल है साइक्लोसिस। ठीक है, सी वाई सी एल ओ एस आई एस, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस क्या है, जब क्लोरोप्लास्ट के ऊपर लाइट फॉल करती है, ठीक है,
तो सॉरी सेल के ऊपर लाइट फॉर्म करती है प्लांट सेल में, तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो सेल के अंदर मूव करता करता उस जगह चला जाता है जहां पे मैक्सिमम लाइट आ रही है। जब मैक्सिमम लाइट आएगी तो फोटोसेल से बढ़ेगी, लिहाजा अल्टीमेटली CO2 की अब्सॉर्प्शन भी क्या होगी, मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ऐसी मूवमेंट जो क्लोरोप्लास्ट शो करता है सेल के अंदर किस वजह से, लाइट के रिस्पॉन्स की वजह से, ऐसी मूवमेंट को आप लोग कहते हो साइक्लोसिस या पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट। ठीक है, दूसरी टाइप है कीमोटैक्टिक। नाम से क्लियर है केमिकल यूज हो रहे होंगे, तो कीमोटैक्सिस, ठीक है जी, मूवमेंट होती है रिस्पॉन्स करने के लिए किसमें, केमिकल्स के खिलाफ, इसे हम लोग कीमोटैक्टिक कहते हैं। अब आप लोग सेकंड ईयर में, तो फर्स्ट ईयर चैप्टर 6 में आपने एक लफ्ज़ पढ़ा था कीमोटैक्सिस, के जो फ्लैजेला है वो केमिकल्स के खिलाफ की तरफ रिस्पॉन्स करता है, तो सेम वही बात है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, स्पर्म है जो आर्ची गुनिया एग की तरफ मूव करता है। आपकी बुक में क्लासिकल एग्जांपल क्या दी गई है, फंज, मॉसेस या लिवरवोर्ट, दीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट। इनके जो स्पर्म्स होंगे वो आर्ची गुनिया एग केमिकल रिलीज करेगा, तो फंज का स्पर्म जो फंज का आर्ची गुनिया से निकल रहा है केमिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, उसकी तरफ जाना शुरू कर देता है। लिवरवोर्ट का स्पर्म जो लिवर पोर्ट की आर्ची गुनिया से निकलने वाले केमिकल है उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये केमिकल न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोन्स इस तरह की नेचर्स के होते हैं जिनकी तरफ अट्रैक्शन डेवलप हो सकती है। तो इस तरह जो कीमोटैक्टिक्स या कीमोटैक्सिस की मूवमेंट है वो कंप्लीट होती है। ठीक है, देन उसके बाद जो ऑटोनॉमिक है इसकी दूसरी मूवमेंट की टाइप हम पढ़ने लगे हैं, वो है टर्गर मूवमेंट। टर्गर, इससे पीछे हमने टर्गर प्रेशर की बात की थी कि वाटर जब प्लांट के अंदर आ जाता है तो वो फूलता है, स्वेल अप होता है, उससे जो प्रेशर बिल्डअप होता है उसे टर्गर प्रेशर कहते हैं। तो ये मूवमेंट क्या होगी, जब प्लांट के अंदर वाटर आएगा या प्लांट से वाटर जाएगा, एंडोस्मोसिस होगी या एक्सोस्मोसिस होगी, इस नतीजे में साइज में डिफरेंस तो आएगा, उस साइज में डिफरेंस की वजह से ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ता है। सो ऐसी ग्रोथ जो चेंज हो रही है जिसमें डिफरेंस आ रहा है, क्यों, क्योंकि वाटर के आने या जाने से, ऐसी मूवमेंट या ऐसी ग्रोथ, सॉरी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं टर्गर मूवमेंट। डेफिनेशन इज गिवन देयर, फॉर एग्जांपल द मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंशियल टर्गर प्रेशर, डिफरेंस हो जाता है कि टर्गर प्रेशर प्लांट के किसी सेल में ज्यादा किसी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से मूवमेंट होना शुरू हो जाती है। अब ये टर्गर प्रेशर ज्यादा या कम क्यों होता है, क्योंकि एंडोस्मोसिस या एक्सोस्मोसिस होती है। ठीक है, सो द मूवमेंट ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज इन टर्गर प्रेशर एंड डिफरेंशियल चेंज इन साइज बाय एंडो एंड एक्सोस्मोसिस, पानी के अंदर आने या बाहर जाने से प्रेशर का चेंज होना, पानी के अंदर आने बाहर जाने से साइज सेल का डिफरेंस, साइज में डिफरेंस आ जाना, जिसकी वजह से जो मूवमेंट शो होगी, इस टाइप की मूवमेंट को आप लोग कहते हो टर्गर मूवमेंट। अच्छा जी, अब ये जो टर्गर मूवमेंट है इसकी भी दो टाइप्स है, और ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ऐसे भी इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी, नंबर वन स्लीप मूवमेंट एंड रैपिड मूवमेंट, बेसिकली वो रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स, मिमोसा एक प्लांट है उसके लिए ऐसे बताया गया। सबसे पहले आते हैं स्लीप मूवमेंट। ठीक है, स्लीप मूवमेंट करिए, आपने देखा होगा कि जो पौधे वगैरह होते हैं इनके जो पत्ते होते हैं वो दिन के वक्त तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल होते हैं, लेकिन जैसे ही शाम होती है वो थोड़े से डाउन हो जाते हैं, नीचे की तरफ हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी मूवमेंट जिसमें पत्ते दिन के वक्त इरेक्ट होते हैं और रात शाम होते हैं, ठीक है, स्लीपिंग डाउनवर्ड हो जाते हैं, ये जो डाउनवर्ड मूवमेंट होती है इसे कहते हैं स्लीपिंग मूवमेंट। ज्यादा इजीली आप किसमें ऑब्जर्व कर सकते हो, तो लिग्यूमिनस प्लांट या लिग्यूम फैमिली के जो प्लांट है, फॉर एग्जांपल पी और बीन्स, इनके अंदर आपको ऐसी मूवमेंट नजर आएगी कि दिन के वक्त इनके पत्ते बिल्कुल इरेक्ट होंगे, शाम होते हैं इनके पत्ते डाउनवर्ड में चले जाते हैं। ये जो मूवमेंट होती है इसे हम स्लीप मूवमेंट कहते हैं। अच्छा, और मैंने लिखा भी है कि लोअर लीफ इन इवनिंग, दिन के शाम के वक्त पत्ते डाउन हो जाते हैं, और रेज्ड अप इन मॉर्निंग, और दिन के वक्त या सुबह के वक्त बिल्कुल इरेक्ट होते हैं। अच्छा, ये होता क्यों, तो यहाँ पे एमसीक्यूज है आपका, ये होता है क्योंकि टर्गर प्रेशर चेंज होता है, चेंज इन टर्गर प्रेशर किसमें भी पल्विनस, ठीक है जी, पल्विनस में जो चेंज इन प्रेशर होगा उसकी वजह से होता है। अब पल्विनस क्या है जी, ये स्मॉलर पोर्शन है पेटियोल का, ठीक है जी, प्लांट का जो पत्ता है वो स्टेम के साथ अटैच होता है, ठीक है जी,
यहां पे ये जो स्ट्रक्चर अटैच है अगर आप इसको बड़ा करके देखो तो ये कुछ इस तरह होगा। इतने ये जो स्वादन पोर्शन होता है इसे हम लोग कहते हैं पेटियोल। इस पेटियोल में क्या होता है जी, वेस्कुलर बंडल्स वगैरह गुजर रहे होते हैं, वहां पे जब प्रेशर चेंज होता है पानी का, ठीक है जी। कैसे कि यहाँ पे पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, ये जो पल्विनस है होता ही पैरेन्काइमा सेल्स का, और ये लार्ज सेल्स होते हैं जिनमें बड़ी बड़ी स्पेसेस होती है। जब इसके लोअर साइड पे पानी का प्रेशर कम होगा तो अल्टीमेटली ऊपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से नीचे डाउनवर्ड हो जाते हैं शाम के वक्त। दिन के वक्त क्या होता है, यहाँ पर पानी आता है, प्रेशर बिल्डअप होता है, प्रेशर बिल्डअप होने के सेल फैलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सेल का जो पत्ते का वो जो पोजीशन है वो बिल्कुल इरेक्ट हो जाती है, वो अवेक हो जाता है, जाग जाता है। तो पल्विनस के अंदर क्या होता है जी, प्रेशर चेंज होता है ड्यू टू एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस, जिसकी वजह से पत्ते स्लीप या अवेक मूवमेंट में चले जाते हैं। और किनमें ज्यादातर आप देख सकते हो, डी प्लांट या लिग्यूमिनस प्लांट। अच्छा जी, जो दूसरी टाइप है टर्गर मूवमेंट, जिसे कहते हैं रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट, मिमोसा एक प्लांट का नाम है, टच मी नॉट भी से कहते हैं, उर्दू में इसे छुई मुई का नाम दिया जाता है, ठीक है। जैसे ही इनके प्लांट को, इसके पौधों को टच किया जाता है, पत्तों को, या सिर्फ हाथ ही पे रह जाए, ये फौरन से अपने जो लीफलेट है उन्हें बंद कर देते हैं, ठीक है। फौरन से क्या करते हैं, अपने लीफलेट को बंद कर देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, वही बात है कि वाटर की चेंज की वजह से, ठीक है। तो देखते हैं, ये आपको मिमोसा प्लांट में मिलती है, ठीक है, टच मी नॉट भी से कहते हैं। अब होता क्या जी, जैसे ही इनके पत्तों को या लीफलेट को हम लोग टच करते हैं, ये रैपिडली क्लोज कर देते हैं या लोअर कर देते हैं अपने लीफलेट्स, लीफलेट छोटी-छोटी पत्तियों की बात किया, जैसे ही ये क्लोज करेगा तो पत्ता क्या होगा जी, क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ऐसी मूवमेंट को हम लोग कहते हैं जी रैपिड मूवमेंट, ये चुटकी में हो जाती है, अभी हाथ लगाया या टच ही किया तो ये बंद कर देगा। इवन के हवा चलते वक्त भी, अगर हवा ज्यादा तेज चलती है, इसकी सरसराहट सही है, अपने आप को बंद कर देते हैं। अच्छा, अब ये कैसे होता है, फिर वही बात है जैसे स्लीप में की है, कि टर्गर जो पल्विनस है उसमें वाटर की मूवमेंट आगे पीछे होती है, वाटर के टर्गर प्रेशर चेंज होता है, ये पॉसिबल हो जाता है, हम यही समझा जाता था। जब मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई तो पता चला कि जो पल्विनस है इसके जो सेल्स होते हैं उसमें पोटाशियम का आउटफ्लक्स होता है, आउटफ्लक्स से मतलब पोटाशियम पल्विनस वाले सेल से निकलकर फौरन दूसरे सेल में जाते हैं। अब आपको पता है पोटाशियम आयन है, यानी कि सल्यूट है, तो जितना ज्यादा पोटाशियम निकल जाएगा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन उतनी कम होगी, और वाटर मियां का तो पता ही है वो कम साल्ट वाले इलाके से फौरन ज्यादा साल्ट वाले इलाके की तरफ जाएगा, तो जितना पोटाशियम निकलता जाएगा वाटर भी उतना निकलेगा, नतीजा वो फौरन क्लोज हो जाते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट लेते हैं ये वापस अपनी पोजिशन को रीगेन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह रैपिड मूवमेंट होती है। अब उसके बाद बात करते हैं ग्रोथ मूवमेंट, जो हमारी वीडियो का आज की आखिरी लेक्चर आखिरी टॉपिक है ग्रोथ मूवमेंट। अब आपको दोनों टॉपिक समझ आ चुके होंगे, ग्रोथ साइज में ग्रो हो रहा है, इंक्रीजमेंट हो रही है, पर मूवमेंट जब जानदार की प्लांट की बॉडी में डिफरेंट हिस्सों की ग्रोथ होती है, किसी की ग्रोथ ज्यादा किसी की ग्रोथ कम, उस डिफरेंट ग्रोथ के नतीजे में जो प्लांट मूवमेंट शो करना शुरू कर देता है, सच स्टार मूवमेंट को इस कॉल्ड ग्रोथ मूवमेंट, ठीक है। तो द मूवमेंट ड्यू टू अनइक्वल ग्रोथ ऑफ प्लांट ऑर्गन्स, पौधे के मुख्तलिफ ऑर्गन्स की ग्रोथ मुख्तलिफ होती है, किसी की ज्यादा तेज किसी की कम किसी की बिल्कुल ही बहुत स्लो, ठीक है। तो पौधे के मुख्तलिफ ऑर्गन जिसमें स्टेम है रूट है लीव है बड है, ठीक है, टेंड्राइल्स भी आते हैं, ठीक है, तो इनकी जो ग्रोथ होती है अनइक्वल होती है, जिसकी वजह से प्लांट की मूवमेंट शो होती है। ऐसी मूवमेंट को आप लोग कहते हो ग्रोथ मूवमेंट, और इसकी तीन टाइप्स हैं, तीनों MCQs के लिए आज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहली टाइप है एपिनेस्टी, इसमें क्या होता है एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी, ये लीव्स पेटल शो करते हैं, ठीक है, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, लीव्स पेटल एपिनेस्टी और हाइपोनेस्टी शो करते हैं, कौन से बट के। एपिनेस्टी में क्या होता है, जो बट होता है इसके ऊपर जो बट के ऊपर लीव्स पेटल्स है इनकी ग्रोथ ज्यादा होती है, और जब ऐसा होता है ग्रोथ ज्यादा होती है तो ये क्या करते हैं बट को ओपन कर देते हैं, ठीक है। एपिनेस्टी में क्या होता है जी, जो अपर साइड है बड की, अपर साइड है लीफ पैटर्न्स ऑफ बड की, उसमें ग्रोथ ज्यादा होती है जिसकी वजह से बड ओपन हो जाता है। और अगर आप केमिकल की बात करो तो एपिनेस्टी करवाने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है उसे कहते हैं ऑक्सिन, ठीक है। हाइपोनेस्टी
हाइपोसोमराज नीचे होता है, तो हाइपोनेस्टेमिया क्या होगा, जो बड होगा उसके नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, ठीक है। हाइपोनेस्टेमिया क्या होगा, लोअर साइड ऑफ ग्रोथ मोर, नीचे वाली साइड पे ग्रोथ ज्यादा होगी, जिसकी वजह से बड जो है वो ओपन नहीं होगा, वो क्लोज ही रहेगा, और वो बड ओपन नहीं होगा, लिहाजा अगर वो लीफ था तो लीफ नहीं बनेगा, फ्लावर के लिए था तो फ्लावर नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये किस केमिकल की वजह से होता है, तो ऑक्सीजन का उल्टा है वो जिब्रेलिन है, एंटागोनिस्टिक वो काम करता है। अच्छा, न्यूट्रेशन किसे कहते हैं, ये होती है जिगजैग मूवमेंट ऑफ प्लांट, ठीक है जी। पौधों के अंदर क्या होती है, जिगजैग ग्रोथ एपेक्स की, ठीक है। एपेक्स क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में लेक्चर में पढ़ा हुआ है कि टिप्स वगैरह की बात, जब उसमें ग्रोथ होती है तो वो जिगजैग मूवमेंट में ग्रो करना शुरू कर देता है, ऐसी मूवमेंट जो जिगजैग मूवमेंट ग्रोथ जो जिगजैग हो रही हो हम उसे कहते हैं न्यूट्रेशन, ठीक है। तो ये आज की हमारी वीडियो का लेक्चर था जी, इसका मतलब अपने